दोस्तों, आपने मीडिया में खबरों में काफी ये चीजें तो देखी होगी कि 21 अगस्त को भारत बंद रहने वाला है। क्या सच में बंद रहेगा या ये सिर्फ कोरी अफवाह चलाई जा रही है खबरों में? और अगर बंद रहेगा तो क्या वजह इसके पीछे, और भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा, कौन कौन सी सेवाएं ठप रहेगी, बंद रहेगी? आइए ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं भारत बंद से जुड़ी इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर ये एक पोस्टर वायरल किया जा रहा है। आपने कई जगहों पर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ये देखा होगा कि 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद रहेगा, आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है भीम सेना प्रमुख के द्वारा। लेकिन आपको बता दूं, ये पोस्टर तो बिल्कुल फेक है, गलत है। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से इस पर बयान जारी करके एक क्लेरिफिकेशन दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत बंद नहीं रहेगा, भारत बंद भी रहेगा। ये जो नियम और शर्तें हैं ये फेक है। तो असल में क्या क्या है भारत बंद को लेकर, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी के आरक्षण पर एक फैसला सुनाया था कि इस आरक्षण में भी कोटे में कोटा लागू कर सकती है राज्य सरकारें, राइट? तो इसी फैसले के विरोध में कल 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की गई है। और 21 अगस्त भारत बंद को देखते हुए देश के कई राज्यों में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटा जाए। तो राजस्थान वगैरह में भी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रहेगी। एससी एसटी के सब कैटेगराइजेशन के विरोध में ये 21 तारीख को भारत बंद रहेगा। अब किन किन राज्यों में भारत बंद को सपोर्ट मिल रहा है विपक्ष के द्वारा, ये भी देखिए जरा आप। मध्य प्रदेश में भी बसपा भारत बंद का समर्थन करेगी और कांग्रेस एमएलए जयेश भी इसके साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये देख सकते हैं जय आदिवासी युवा शक्ति के द्वारा जारी एक समर्थन पत्र भी। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस पर विरोध दर्ज करने के लिए ये 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। कुछ दलित आदिवासी संगठन और कुछ राजनीतिक दल भी इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात। राजस्थान में भी भारत बंद का आह्वान कर दिया गया। अजमेर प्रशासन अलर्ट हुआ, उपद्रव नहीं करने के आदेश जारी किए गए। स्कूल बसों को अगर किसी ने रोका तो कार्यवाही की जाएगी। ये कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से भारत बंद के लिए। तो कुल मिलाकर एससी एसटी के बंद को राजस्थान में भी कांग्रेस ने समर्थन दिया है, और इसके चलते जयपुर समेत राजस्थान के 4 जिलों में तो स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। हालांकि सभी जिलों में टीचर्स ने लीव मांगी है। राजस्थान भरतपुर में भी नेट बंदी रहेगी यानी कि इंटरनेट बंद रहेगा। जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर में जिला कलेक्टर ने स्कूल कॉलेजों के साथ समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टी की घोषणा कर दी है। और भी दोस्तों, कल विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद का सपोर्ट किया जा रहा है। झारखंड में भी सत्तारूढ़ जेएमएम भारत बंद को ये पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, और भी राज्य के कई संगठन इसमें साथ आए हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि देश के अधिकतर राज्यों में भारत बंद रहेगा एससी एसटी के आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते, है ना। अब समझिए कि भारत बंद के दौरान कौन कौन सी सेवाएं ठप रहेगी, कौन कौन सी चीजें चालू रहेगी, मतलब क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। तो दोस्तों, अब एससी एसटी समुदाय की तरफ से दो प्रमुख शर्तें मांगी जा रही हैं। एक तो एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती है, और एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। ये प्रमुख दो शर्तें हैं इन समुदाय की, भारत बंद कराने वालों की प्रमुख मांगे हैं। जो दलित संगठन है उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट जो कोटे में कोटा वाला फैसला सुनाया आरक्षण को, उसको या तो वापस ले या तो उस पर पुनर्विचार करें। ये एससी एसटी समुदाय की प्रमुख डिमांड है। अब समझिए भारत बंद के दौरान क्या क्या बंद रहेगा। तो वैसे तो अभी तक इसको लेकर किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन फिलहाल सभी राज्यों में सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, भारत बंद के दौरान कुछ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ जगहों पर निजी दफ्तर यानी कि प्राइवेट बाजार, मार्केट वगैरह, दुकानें, ऑफिस भी बंद किए जा सकते हैं। हालांकि भारत बंद के दौरान कौन कौन सी सेवाएं जारी रहेगी, तो 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान भी अस्पताल चालू रहेंगे, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी, इनको कोई रोक टोक नहीं लगा सकेगा। बैंक, दफ्तर, सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधित भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है, यानी ये चीजें भी खुले रहेगी, तो बैंक वगैरह खुले रहेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से स्कूलों वगैरह को बंद करने का फैसला सुनाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था राजस्थान वगैरह, है ना। तो और ज्यादा किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे दोस्तों, और जो लोग भारत बंद का हिस्सा रहने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, किसी के साथ कोई हिंसा, दंगा ये न करें, लड़ाई झगड़ा वगैरह, ताकि आम जन को किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या ना हो, है ना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हो दोस्तों, और भारत बंद को लेकर आपकी क्या राय विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।